वेलकम बैक टू वीना ब्लॉग्स। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये एकदम न्यू और डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे प्रोटीन है लेकिन इसमें फैट बहुत कम है। वो इसलिए इसमें मैंने सारे वेजिटेबल यूज़ किए हैं। बहुत सारी सब्जियों से बना हुआ ये रेसिपी है। इसमें बहुत कम मैंने गेहूँ का आटा और थोड़ा सा राइस फ्लावर और थोड़ा सा मक्के का आटा यूज़ किया है। बाकी सारी इसमें सब्जियाँ हैं तो भरपूर प्रोटीन इसमें मिलेगा आपको और एकदम हेल्दी ये रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नाश्ते में कभी भी आप इसे बना के खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लाजवाब सी रेसिपी। मैंने जस्ट ट्राई की लेकिन बहुत अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं। ये रेसिपी में मैंने आटा बहुत कम यूज़ किया है। गेहूँ का आटा लिया है, चावल का आटा लिया है, मक्के का आटा लिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट दो चुटकी मैंने सिर्फ इसमें सब्जी मसाला लिया है। मसाले बहुत कम, मतलब ना के बराबर है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। विदाउट ऑयल, विदाउट मसाले हमें इसे बनाना है। फैटलेस रेसिपी है इसलिए हमें इसमें मसाला और ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। एकदम थोड़ा सा, अगर जस्ट अगर आपको बिल्कुल मसाले का अच्छा नहीं लगता है तो हल्का सा आप डाल सकते हैं। और टर्मरिक पाउडर, नमक स्वादानुसार, बहुत सारे मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स मैंने जो एकदम बारीक चॉप कर लिए हैं, एकदम फ्रेश कॉर्न लिए हैं मैंने और ग्रीन पीस लिए हैं, साथ में एक कैप्सिकम लिया है, बीबी कॉर्न, कैबेज, टमाटो और साथ में ब्रोकली और उसी के साथ में हमने ओनियन भी चॉप्ड कर लिया है और चार पांच ग्रीन चिली ली है और साथ में गार्लिक लीफ और स्प्रिंग ओनियन मैंने चॉप्ड कर लिए हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में सारे आटे मिक्स करके उसके साथ ही सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके मिक्स कर लेते हैं और अच्छा सा इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इसे हमें बिना पानी के ही इस तरह से मसल कर तैयार करना है। जो हम इसमें वेजिटेबल यूज़ करते हैं, टमाटो, ये सब में से ही पानी निकल जाता है ऑलरेडी, तो बिल्कुल भी एक बूंद भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। विदाउट पानी इस तरह का ये बैटर तैयार हुआ है। इसका हम अच्छे से टिक्कियाँ बना लेते हैं। मैंने पैन रख दी है गर्म करने और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके हाथ में लेंगे क्योंकि इसमें आटा है तो अच्छी तरह से हमें इसे कुक करना पड़ेगा ताकि कच्चा नहीं रहे और एकदम ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। इस तरह से हमें इसका बैटर डालना है ताकि अच्छी तरह से कुक हो पाए। दोनों तरफ जब हम पलटें इसे तो अच्छी तरह से स्टीम होने चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए क्योंकि वेजिटेबल है तो वेजिटेबल अच्छी तरह से कुक होने चाहिए। एक तो विदाउट ऑयल है, ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मुझे लगा कि फैटलेस रेसिपी अच्छी सी बन सकती है। तो जस्ट मैंने ट्राई किया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से कुक भी हो रहे हैं और बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हो गई है। ये रेसिपी आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप फैटलेस खाना खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनी है ये देखिए। क्योंकि इसमें सारे प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं, जो विटामिन के लिए आप खाना खाते हैं, जो प्रोटीन्स के लिए आप खाना खाते हैं, तो उसमें सारे वेजिटेबल में रहते हैं और सीजनल वेजिटेबल तो मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं। तो आप इस तरह से ये रेसिपी को तैयार कीजिए। इसमें आपको बहुत सारी सब्जियां मिक्स करनी है और ये रेसिपी एकदम रेडी हो जाती है। देखिए कितने अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं सारे, जितने भी मैंने टिकिया की तरह मैंने बनाए हैं इन्हें पलट देंगे हम। टिकिया शेप में मैंने इसे तैयार किया है क्योंकि ज़्यादा बड़ी ये नहीं बन पाएंगे। इसमें आटा भी कम है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, अगर हमने बहुत बड़े बड़े बना दिए तो टूट जाएंगे तो अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने छोटे छोटे टिकिया की तरह इसे बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं। हमें प्रेस करके दोनों तरफ दबा लेना है अच्छी तरह से ताकि जो हमने वेजिटेबल इसमें यूज़ किए हैं कच्चे नहीं रहने चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से स्टीम हुए हैं। जितना भी बैटर हमने तैयार किया उसके हम इसी तरह से छोटे छोटे टिकिया जैसे बना के सर्व कर सकते हैं। हेल्दी है और झटपट बनने वाला ये फूड है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको जल्दी से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर शाम के टाइम नाश्ता चाहिए तो आप इसे बना के खा सकते हैं। बहुत हेल्दी है और बहुत ही इजी है, आप इसे फटाफट बना सकते हैं, खा सकते हैं, इसे सर्व कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे। रेसिपी कैसी बनी है
अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। ये देखिए गरम गरम रेसिपी रेडी है। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी प्यारे व्यूअर्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।